नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। पटना में बिहार राज्य रसोईया संघ संबंध एक्टिव ने भाकपा माले के बैनर तले सुगौली कांड के खिलाफ मध्याह्न भोजन योजना समिति कार्यालय के समक्ष जुझारू प्रदर्शन किया। बता दें कि पटना के बुद्धा मार्ग से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसका नेतृत्व संघ के महासचिव सरोज चौबे ने की। बीते 6 नवम्बर को पूर्वी चंपारण के सुगौली बंगरा में बॉयलर फटने से हुई 10 रसोइयों की मौत पर लेकर के ये बवाल किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन भी इसको लेते हुए आरएमए में भी प्रदर्शन किए गए थे। साथ ही जहां बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष द्वारा पूर्वी चंपारण के सुगौली बंगरा में मिड डे मील योजना के तहत भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ रसोईया और 9 प्रयास के किचन हाउस में बॉयलर फटने से 10 रसोइयों की जहां मौत हो गई थी, उसके जिम्मेदार भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल और एनजीओ संचालक नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही एनजीओ को हमेशा के लिए बंद करने की भी मांग की गई है। उन्होंने सरकार से मृत रसोइये के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और घायल रसोइयों को समुचित इलाज कराने की मांग की गई। साथ ही प्रत्येक रसोइयों को जीवन बीमा, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य सारी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। सुगौली कांड के खिलाफ हमारा बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का 3 दिवसीय प्रतिरोध दिवस है। आज उसका अंतिम दिन है और हमारे इस प्रतिरोध में एपोआ, एक्टू और माले शामिल है। हमारी ये मांग है कि पूरे बिहार से एनजीओ को बाहर किया जाए और सुगौली कांड जहाँ की 3 मजदूर मारे गए हैं, 2 घायल हैं, बाकी 7 लापता हैं, इस घटना की पूरी एक सिटिंग जज से जांच कराई जाए और पूरे बिहार में से एनजीओ को बाहर किया जाए। हमारी ये मांग है कि जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार को और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, 5 लाख मुआवजा दिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि जो बिहार में इस तरह से संवेदनहीनता का आलम है और मुख्यमंत्री साहब अभी तक एक बयान तक नहीं दिए, इसकी हम निंदा करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि आप जो एनजीओ के हवाले सब कुछ कर रहे हैं शासन प्रशासन करके, जिसका परिणाम हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसका परिणाम हुआ सृजन घोटाला, तो ये मिड डे मील से आप एनजीओ को बाहर करिए। इस तरह से हम ये जो केंद्रीकृत किचन चल रहे हैं बिहार में, उनकी जगह विद्यालय आधारित हम किचन की व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने की भी मांग कर रहे हैं और हमारी मांगें नहीं पूरी हुई। अभी हम मध्याह्न योजन समिति के ऑफिस में जा रहे हैं, हमारी बातचीत होती है, क्या बात होती है, वरना हम इसको आगे अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। सुगौली कांड की घटना की समग्रता से न्यायिक जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, एनजीओ को अस्थायी रूप से। इनकलाब जिंदाबाद। सुगौली कांड के जिम्मेवार नीतीश मोदी चुप्पी तोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। सुगौली कांड पर नीतीश कुमार, सुशील मोदी चुप्पी क्यों, जवाब दो, जवाब दो। सुगौली कांड पर चुप्पी क्यों नीतीश कुमार, सुशील मोदी जवाब दो, जवाब दो। सुगौली कांड पर सुशील कुमार नीतीश मोदी चुप्पी तोड़ो। सुगौली कांड पर नीतीश कुमार, सुशील मोदी चुप्पी क्यों, जवाब, जवाब दो, जवाब। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।